सुप्रीम कोर्ट क्यों गए आप ये कहने के लिए कि साहब गलती हो गई इसमें टाइपिंग मिस्टेक है इसको ठीक कर लीजिए? देखिए वो तो बचपना दिखा ही रहे हैं, बट मुझे अचंबा होगा कि आप भी बचपना दिखाएं। पूरा का पूरा, पूरे के पूरे जो भी उन्होंने सवाल उठाए कांग्रेस ने, उन सभी सवालों का जवाब सबसे पहले तो हमारी सरकार ने उसको खारिज कर दिया राफेल को। हमारे बाद जो फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने उसकी सफाई देके उसको खारिज कर दिया। उसके बाद डसॉल्ट के चेयरमैन ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद एयरफोर्स के चीफ ने उसको खारिज कर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अपना बचपना नहीं छोड़ रहे कि जैसे मैंने हट ले ली है तो मैंने हट ले ली है और मैं राफेल के पीछे पड़ा रहूँगा तो पड़ा रहूँगा। ये जो बचपना है इसको छोड़ दीजिए। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, उसके अंदर प्रोसीजरल तरीका हमने पूरा दे दिया था। जो हवाई जहाज थे उनकी प्राइसिंग हमने सील्ड लिफाफे में पूरी सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी। सारी चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट की वाकफियत थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्लियर कर दिया है तो पूरी तरह से ख़त्म है। और ये भी हमने बता दिया कि हमने सीएजी को भी सारी रिपोर्ट दे दी है। अब जब सीएजी उसको पार्लियामेंट में लेकर आएगा तो वो भी पूरे के पूरे देश के सामने हो जाएगी और वो भी पीएसी के पास आ जाएगी। अब इसमें बचा क्या मुझे बताइए? दो चीज़ें, एक जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो ये कि सरकार का वापस सुप्रीम कोर्ट जाना कि साहब इस गलती को सुधार लीजिए, ये अंदर खाने सरकार का एडमिशन है, यानी कि सरकार की स्वीकारोक्ति है कि इसमें गड़बड़ है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो तो कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि आपने गलत आधार पर फैसला दे दिया, सरकार ने आपसे झूठ बोला था। तो चलिए पहले से ही मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो पहली जो बात है जो सरकार ने लिखी कि ये जो आपकी जो गलती है इसको सुधार लीजिए, वो क्या थी जरा आप बता दीजिए सभी को। सरकार ने सीधे सीधे तौर पर कहा ना कि हमने जो प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी थी उसको आपने ये समझ लिया कि ये हो रहा है, जबकि हमने बताया था ये एक प्रक्रिया है, ये ऐसे होता है, जी बिल्कुल सुधार लीजिए। जी बिल्कुल सही। तो जो तीन सवाल उठे थे, इसकी प्राइसिंग के ऊपर, इसके प्रोसीजर्स, राफेल हवाई जहाज लेने के जो प्रोसीजर्स थे उसके ऊपर उठे थे, इसकी प्राइसिंग के ऊपर उठे थे ये, और जो हमने जो कहा कि हमने सीएज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, और तीसरा ये हवाई जहाज क्यों चुना गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। और हमने ये लिखा है कि हमने सीएजी को भी ये रिपोर्ट दे दी है पूरी की पूरी। सीएजी का प्रोसीजर है कि सीएजी उसके बाद वो रिपोर्ट पीएसी को भेजती है। तो इसमें ये सारा का सारा जब प्रोसीजर से चल रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते वो प्रोसीजर पूरा होने का? और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो देख के निर्णय लिया ना कि जो हमने उनको भेजा था, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, तो पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन जब गोल पोस्ट आपका पूरा मिस हो गया तो आप उस जबरदस्ती इस एक बात को पकड़ के पहुंच गए कि साहब इसके अंदर ये मिस्टेक जो है छोटी सी ना, अब इसको मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा क्योंकि मुझे राफेल की बात करनी है।